नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। 2019 में कहाँ कहाँ लगने वाले हैं कृषि मेले। पहले से ही कुछ मेले लग चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो मैं वो आपके सामने वो मेले रख रहा हूँ जो आज के बाद में लगने वाले हैं दिसंबर तक। आप उस तरीके से अपना प्लान कर सकते हैं, इनमें जाना बहुत लाभकारी होता है किसी भी किसान के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपना काम करना चाहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ महीने के हिसाब से कहाँ कहाँ पे मेले लगने वाले हैं। फरवरी 2019 में राजकोट 11 फरवरी से 15 फरवरी ये भी चल रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो है। अहमदाबाद 11 फरवरी से 15 फरवरी ये भी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये अभी भी चल रहा है। मेरठ में 15 फरवरी से 17 फरवरी ये कृषि धाम एक्सपो चलेगा। पुणे में 22 फरवरी से 24 फरवरी इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो, और लखनऊ में 22 फरवरी से 24 फरवरी इंडिया फूड एक्सपो, ये फरवरी में लगने वाले हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं वो अपडेटेड हो, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लें अपने आप, कहीं डेट तो नहीं बदल गई है या कोई और मेला आसपास तो नहीं लगा हुआ है। मार्च में हमारे पास सिर्फ दो मेले हैं, एक नोएडा में एक मेरठ में। नोएडा में है 7 मार्च से 9 मार्च, ये यूपी किसान विकास सम्मेलन है, और मेरठ में भी 7 मार्च से 9 मार्च है, ये उत्तर प्रदेश किसान विकास सम्मेलन है। कहने को दोनों एक ही हैं, यूपी किसान सम्मेलन, यूपी किसान सम्मेलन, 7 मार्च से 9 मार्च, लोकेशन नोएडा और मेरठ। अप्रैल में चार हैं हमारे पास, मुंबई में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ये इंडिया इंटरनेशनल डेयरी एक्सपोर्ट एक्सपो है। हिम्मतनगर में 7 अप्रैल से 10 अप्रैल है कृषि मेला हिम्मतनगर। भावनगर में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल है कृषि मेला भावनगर, और मुंबई में दोबारा फिर 24 अप्रैल से 26 अप्रैल है मार्केट यार्ड तलाजा इंडिया। तो ये थे अप्रैल के। मई में एक ही है सिर्फ, क्योंकि मई में गर्मी काफी होती है, और ये न्यू दिल्ली में है 11 मई से 11 मई, एक दिन के लिए ग्लोबल स्पाइस समिट एंड एक्सीलेंस अवार्ड, ये 11 मई से 11 मई एक दिन के लिए है। उसके बाद जुलाई में, जून को छोड़ दिया गया है, जुलाई में कोयम्बटूर में है 12 जुलाई से 15 जुलाई एग्री इंटेक्स, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है 12 जुलाई से 15 जुलाई। अगस्त में फिर भरमार है क्योंकि अगस्त में मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, तो अगस्त में न्यू दिल्ली में 1 अगस्त से 3 अगस्त है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सपो। न्यू दिल्ली में दोबारा फिर 6 अगस्त से 8 अगस्त है कृषि इंडिया एक्सपो। फिर करनाल में है हरियाणा में 9 अगस्त से 11 अगस्त इंटरनेशनल पोल्ट्री डेयरी एंड लाइव स्टॉक, ये स्पेशली क्योंकि करनाल में इसका बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पोल्ट्री डेयरी और लाइव स्टॉक का, इसलिए उसका एक्सपो लग रहा है 9 अगस्त से 11 अगस्त। चेन्नई 12 अगस्त से 15 अगस्त वाइब्रेंट तमिलनाडु फूड एडिशन। उसके बाद बेंगलोर में है 30 अगस्त से 1 सितंबर एग्री टेक इंडिया, तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सितंबर में हमारे पास दो हैं कृषि मेले 2019 के तहत, एक हैदराबाद में एक गांधीनगर में। हैदराबाद में 5 सितंबर से 7 सितंबर एग्रीटेक्स हैदराबाद, गांधीनगर में 6 सितंबर से 8 सितंबर एग्री एशिया गांधीनगर गुजरात, सितंबर 2019। अक्टूबर में भी हमारे पास दो हैं, दोनों लखनऊ में हैं, एक 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है डेयरी फेस्ट लखनऊ में, दूसरा भी 19, माफ कीजिए गलत लिखा हुआ, 10 अक्टूबर नहीं है ये, 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है पोल्ट्री फेस्ट। दोनों एक ही ग्राउंड में है, एक ही जगह पे है, तो ये 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर है डेयरी फेस्ट और पोल्ट्री फेस्ट अक्टूबर 2019 में लखनऊ में। नवंबर में काफी बिजी शेड्यूल है, नवंबर में दिल्ली में होगा 5 नवंबर से 8 नवंबर एग्रो वर्ल्ड ट्रेड फेयर, अरपोरा गोवा में होगा 11 नवंबर से 12 नवंबर इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, नासिक में होगा 21 नवंबर से 25 नवंबर कृषि थॉन, नागपुर में होगा 22 नवंबर से 25 नवंबर एग्रोविजन, और हैदराबाद में होगा 27 नवंबर से 29 नवंबर पोल्ट्री इंडिया एग्जीबिशन। तो नवंबर थोड़ा सा बिजी है। उसके बाद दिसंबर में भी तीन है हमारे पास, न्यू दिल्ली 5 दिसंबर से 7 दिसंबर ये EIMA एग्री मार्क इंडिया, इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में होता है स्पेशली। चेन्नई में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर इंडिया फेंस एक्सपो, और पुणे में 11 दिसंबर से 15 दिसंबर किसान एग्री ट्रेड फेयर।
तो दोस्तों ये सारे कृषि मेले लगने वाले हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन आप तक एक्यूरेट दूं, फिर भी ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, सलाह है आपको कि जब भी आप किसी मेले में जाने का प्लान करें तो उस बारे में जानकारी जरूर ले लें। ये जो कैलेंडर है ये आपको हैंडी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नॉलेज मैक्स एंड स्टे अपडेटेड। टेक केयर। बाय बाय।